लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर सर सब एकदम मस्त बढ़िया टकरक भाई, एक्साइटमेंट देख रहे हो क्या, नेक्स्ट लेवल की एक्साइटमेंट हो रही है ना, बिकॉज तुम्हारा भाई इतने टाइम बाद बाइक चला रहा है, तो भाई ऑफकोर्स ही बात है कि भाई एक्साइटमेंट तो होने ही वाली है। और भाई इतने टाइम से ना हम ना गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे, जहाँ भी जा रहे थे तो हम बाइक कार जा रहे थे, भाई बाइक नहीं जा रहे थे, तो आज मैंने सोचा कि ना भाई बाइक जाया जाए। और एक छोटा सा मेरे को काम भी है, और कुछ मेरे नॉन आ रहे हैं, तो वो लास्ट राइड पे, जब मैं लास्ट रोड ट्रिप पे गया था तब मेरे को वो मिले थे हिमाचल रोड ट्रिप पे, तो वो अभी आपको उनसे भी मिलवाते हैं कौन है कौन नहीं है। अभी मैं जस्ट जा रहा हूँ हाईवे पे, और अभी पता है क्या है, मेरे को पता नहीं मेरी बाइक में कितने टाइम से पंचर है कितने टाइम से नहीं है। मैंने देखा कि मेरी बाइक में लगी हुई है कील, तो अब ये नहीं पता वो कील कितने दिन से लगी हुई है और मैं कितनी राइड कर चुका हूँ उस कील के साथ। तो मैंने कल परसों ही उसको देखा था कि वो टायर में है, थोड़ा सा वबल कर रहा है, तो अभी पंचर लगवाना है और अपनी बाइक का पोल्यूशन कराना है, क्योंकि हमारी बाइक का पोल्यूशन हो चुका है एक्सपायर, तो उसके बाद हम फ्यूल अप कराते हैं अपनी स्कूबी को, देन पोल्यूशन करते हैं इसका, उसके बाद अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं हम। यहाँ पे देखो हमारा स्टिकर लगा हुआ है जस्टिन यूट्यूबर का, एंड यहाँ पे हमें मिल गए हमारे प्रकाश जी, हिमाचल स्पीति राइड कंप्लीट करके आए। स्पीति राइडर कहीं भी मिलना हो जाता है, दुनिया बहुत छोटी है, इसलिए राइडर बने हो, देखो कचरे के भाव भी कम हो गए, और निकलो ज्यादा सोचो मत राइड पे। और ये अपनी डॉटर के साथ राइड कर रहे हैं, हियर इज निकी, सो पिलियन राइड कर रहे हैं। अभी मैं इनको कंपनी दूंगा पानीपत तक, और पानीपत का डिस्टेंस है यहाँ से 100 किलोमीटर, तो अभी वहाँ तक साथ जाएंगे। पेट्रोल पंप तो पूरा खोदा हुआ है यार, पंचर की दुकान तो है ही नहीं यहाँ, तो आगे देखते क्या होता है क्या नहीं। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, निकी मेरी यहाँ पे वीडियो बनाते हुए, और मैंने ट्रिप को जीरो कर दिया, फ्यूल अप करा लिया है, ज्यादा फुल नहीं कराया था, तो हमारी चलो रील्स भी बन रही है ऐसे, और स्टोरीज भी मिल रही है हमें काफ़ी टाइम बाद, मतलब एक कंपनी मिली है मेरे को राइड करने की, अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे को, तो भाई मैं ये चीज़ नहीं मिस करना चाहता था, क्यों ना एंजॉय करें इस पल को। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं जब तक आप थोड़े से सिनेमैटिक और टाइम लैप्स देखो, और जब तक हम पहुँच ही जाएंगे पानी पर, सिनेमैटिक आपको दिखाते दिखाते राइड करते करते। तो भाई अपना पोल्यूशन हो चुका है, अब हमने डाल लिया, पंचर भी लग गया, वैसे पंचर नहीं था बाइक में, अंकल ने देखा तो वो सिर्फ कील कील था, तो उसमें हवा भी नहीं निकल रहा था ना, पंचर था बस कील लगा था, तो ये मेरे को समझ नहीं आया ये कैसे, जब कील है तो हवा ही नहीं निकला, बाकी चलो अच्छी बात है, अगर नहीं निकला पंचर तो ना ही निकले तो ज़्यादा बेटर है। अभी मैं निकलता हूँ, प्रकाश जी आगे निकल गया क्योंकि उनको किसी घर जाना था, तो वो कहते तुम आओ, हम धीरे धीरे चल रहे हैं, मैंने कहा ठीक है, तो अभी उनको कैच करना है और अपना काम हो गया, तो बस अभी हम यहाँ से निकलते हैं। एंड आई होप कि GoPro का एंगल ठीक आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं बस 5 मिनट के लिए रुका था, तो कुछ भाई लोग आ गए यहाँ से ऑटो से उतर के कि भाई फ़ोटो खिंचवानी है, तो मैंने कहा चलो खिंचवा लो, तो यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा है। तो भाई ये कह रहे हैं कि आपकी भाई बहुत अच्छी है, तो मैं आपने हमें फ़ोटो की परमिशन दी, तो मैं आपके लिए कुछ गाना चाहता हूँ, गाओ ये दोस्ती धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, हाँ अब मैं मुकेश, हाँ और आप जस्टिन, हाँ मैं आपका मित्र हूँ, अच्छा मैं आपका फैन हूँ, फैन हूँ, हाँ। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपका दिल में वेलकम है। अच्छा जी फूल ले गया भैया के लिए, फूल आपका, अरे ये किस लिए, भाई साहब तो गुलजार नहीं कहता है, गुलजार छन्नी वाला कहता है, हाँ हाँ बोले एक बात कहनी थी, हाँ हाँ अकबोल अकबोले लव यू सतन्ना, हाँ हाँ हम कहते हैं मित्र, हाँ हाँ दोस्त यारे, हाँ हाँ जैसे कीर्तन और सुदामा थे, हाँ हाँ ऐसे मैं आपके लिए बोलता हूँ, हाँ हाँ मिस्टर अंबाले वाले, अरे ठीक है, हाँ जी आई लव यू, अरे भैया लव यू टू, अरे यार ये फूल आपके लिए, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, ये फूल हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा, मेरे पास रहेगा, कहीं भी रहेगा ये मेरे साथ रहेगा, ये फूल पहली बार किसी ने फूल दिया मेरे को, तो बड़ा खुश हो रहा हूँ मैं। एक भाई यहाँ पे आपका नाम, मेरा शुभ नाम मुकेश, मुकेश थैंक यू सो मच भैया फूल के लिए और गाने के लिए, गाना बहुत अच्छा गाते हो। तो भाई ये अपना आशीष भी आ गया यहाँ पे,
ये रहा, और ये खड़ी इसकी R15, क्या सेक्सी बना दी भाई इसने तो, सेक्सी लग रही है ब्रो। ओके भैया, तो गाइस मैं निकल चुका हूँ अभी तरावड़ी से आशीष से मिलकर, और कुछ दो रैंडम लोग आए थे और भाई उन्होंने इतना ज़्यादा मतलब खुश कर दिया ना पूछो मत, मतलब एक तरीके से दिन बना दिया उन्होंने। एक रैंडमली आया, मेरे को फूल वगैरह भी दिया उन्होंने, ना रैंडमली हो गया, मेरे को कुछ पता नहीं था यार मैं क्या रिएक्ट कर रही हूँ, ऐसा वैसा फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो सीरियसली बता रहा हूँ बहुत खुश कर दिया उन्होंने तो मेरे को, मतलब एक तरीके से दिन बन गया मेरा, फूल वगैरह दिए, गाना सुनाया एक तरीके से मतलब, तो देखते जैसा होता है आपको मैं बताता हूँ अभी। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं पानीपत में, एंट्री हमारी हो चुकी है और मेरे को जाना है पानीपत के रेलवे स्टेशन के सामने, तो वहाँ पे इम्तियाज़ खड़ा हुआ मिलेगा हमें। तो अभी मैंने मैप तो लगा रखा है, बाकी GPS पहुँचा ही देगा हमें सीधा सीधा, ये 4.7 किलोमीटर दिखा रहा है। भैया रेलवे स्टेशन कहाँ है? रेलवे स्टेशन सामने है। ओके हाँ भाई, भाई रेलवे स्टेशन के सामने खड़ा हूँ यार, रेलवे रोड के सामने कि स्टेशन के सामने? सामने रोड के, मैं जस्ट अभी आया, यूटर्न वहीं से मार रहा हूँ मैं, okay. मैं यहीं पे था करीब होने पे। इंजीनियरिंग की चेकअप होना था। अरे ना कहीं लोकल जाने? हाँ जी, कौन सी बाइक है? निंजा भैया। लोकल जाने वाली बात नहीं, वो किसी फ्रेंड को कॉल कर रहा है जी। ये कैमरा, हाँ ये कैमरा है। ओके तो इम्तियाज़ से कॉल कर दिया है तो आ ही रहा है, तो देखते हैं कहाँ है वो। क्या लगा मिलके आपसे? मिलके बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा लगा। कैसा है भाई? अरे कुछ भी मतलब है, सारी वीडियो देख रखी है हमने। अच्छा हेलो, पता नहीं ना अभी कैसा लेके आ रहे हो, पर वो लगा वैसे आ रहे हो आप वो लेके? नहीं 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 नहीं, मैं बाइक से ही आया था। मैं बाइक से ही आया था। तो एवरेज ही बहुत कम है, ऐसे हो गया। मैं ठीक हूँ भाई, और हाँ ये मेरा यूट्यूब चैनल है। हाँ अरे अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, थैंक यू। अभी यहीं पे देखा क्या खड़े हुए? हाँ मैं पीछे देखा, फिर आपका पीछा करा। अच्छा अरे रास्ते में बहुत मिले, 3 मिले रास्ते में भाई, सोच रहा हूँ मैं भी लिखवा लूँ यार। क्या नाम है? पवन सिंगला। पवन सिंगला, नाइस टू मीट यू भाई, अच्छा लगा मेरे के। ये रहा, ये लो सब्सक्राइब कर दो। हाँ श्योर श्योर, वाइड ये लो भाई। तो भाई मैं भी इम्तियाज हैं भैया, हाँ फोटो जो ले लो, यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, हाँ फोटो खींच लो इसके, यूट्यूब पे सर्च करना। तो यार मेरा काम हो चुका है, और जिस काम से आया था तो बहुत अच्छे से काम हो चुका है, तो बाइक अब कोई टेंशन नहीं है, मैंने उस बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया। क्या तो हमारे इम्तियाज भाई, थैंक यू सो मच काम के लिए यार। कोई बात नहीं, तो चलो खैर आने से काम बन गया, विद इन 30 मिनट्स, मुश्किल से 10 से 15 मिनट मैच, 30 मिनट्स में मेरा काम पूरा कंप्लीट हो गया, वो भी इम्तियाज भाई की वजह से। सोसाइटी में जाना है अभी अपन को, और यहाँ से यहीं पे कहीं रहते संदीप भैया, तो उनकी लोकेशन पर जाना है। अच्छा बना रखा है यार, तो ये चौकीदार मेरे को रोकेगा, अभी यहाँ से जाना है। हाँ जी, नंबर क्या तरफ में? हाँ अंदर से है? नहीं नहीं किसी के घर जाना है। क्या है विला नंबर? विला नंबर एक सेकंड बता रहा हूँ, लेफ्ट मुड़ जा, सीधा ही आना है। हाँ ये मैं ही हूँ, अंदर बहुत बढ़िया। आप बताओ, बड़ी सही जगह घर ले रखा है? हाँ हो गया।
तो यार मैं संदीप भैया के घर से निकल रहे हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। संदीप भैया सामने गाड़ी में है, तो अभी हम जा रहे हैं साथ में करनाल। थोड़ा सा काम है भैया के साथ मेरे को वहाँ पे। तो आज हमारी बाइक का ऑपरेशन हो रहा है, फिर से कुछ बॉडी पार्ट्स लग रहे हैं और आपको एक आर्म फैक्ट दिखानी है। फुली कस्टम भैया और इन्हें खुद ही मतलब मॉडिफाइड करी है। सीट कवर भैया और का खुद का कस्टम है। मड गार्ड जो होता है ऊपर का बैक टायर का रियर मड गार्ड वो खुद कस्टम है। बैली पैनल्स जो होते हैं साइड के वो खुद कस्टम है। आपको मैं आगे से पूरी वो दिखा रहा हूँ, मतलब देखो आप कोई कह सकते हो कि ये R15 V3 है, ये सब कुछ कस्टम है। साइड विंग्स लगे हैं, मास्क जितना भी एवरीथिंग खुद कस्टम। मरगार्ड वगैरह देखो, देख लो ये शॉकर कवर भी लगाया है एंड ये हैंडल कवर देखो, टैंक के ऊपर एक्स्ट्रा कवर सब लगा है भाई। ये इलेक्ट्रिक बाइक पे प्रोजेक्ट चल रहा है कुछ, किसी का आया हुआ है। और यहाँ पे हार्ले मॉडिफाइड हो रही है। सबसे ज़्यादा बेस्ट ये है KTM RC390 कस्टम मॉडिफाइड, इनकी खुद की 240 टायर डला है बैक में और सिंगल साइड स्विंगम कर रखा है। ये जल्दी पुराना मॉडल ये देखो KTM, तो इसके ऊपर व्लॉग आएगा, डिमांड मांगो तो आपको व्लॉग मिलेगा। और मैंने अपनी बाइक पे लगवाई है विंगलेट, तो जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते ना भाई तो फॉलो कर देना। और ये विंगलेट मैंने कहाँ से ली है तो मेरे को एक्चुअली उनका नाम नहीं याद आ रहा क्या नाम था, तो मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर दूंगा तो आप वो देख लेना। एंड अगर आपको कोई भी पार्ट चाहिए हो अपनी बाइक का तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तक इंडिया में सबसे बेस्ट बोली जा रही है कि है यार, अभी तक तो जो मुझे लगा ना बहुत अच्छा लगा। और जो प्रोडक्ट है क्वालिटी एंड सबसे बड़ी बात यार ऑनलाइन ना ट्रस्ट की बात आती है कि भाई ट्रस्टेड है कि नहीं है। और ये सब कुछ हैंडमेड करते हैं, जो भी होता है सब इनका खुद का ही होता है। तो यार मैं अम्बाला पहुँच चुका हूँ और अब 6:06 हो रहे हैं पूरे, एक घंटा लगा करनाल से अम्बाला पहुँचने का मेरे को। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। ये GPS तो मैंने वैसे ही लगा रखा है #showoff। तो ठीक है, आज के व्लॉग में बस इतना ही था। आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय, सायोनारा। दिस इज़ मी जस्टिन वॉकर signing off, peace out.